नमस्कार, मैं मीरा सिंह मीरा, शिक्षिका साहित्यकार, डुमराव, जिला बक्सर, बिहार से हूँ। सर्वप्रथम मैं जन सरोकार मंच टोंक के आदरणीय देवेंद्र जी को हार्दिक आभार ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने इस मंच से जुड़ने का मुझे आज अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के पहले भी मैं देखती रही हूँ आदरणीय देवेंद्र जी साहित्य के विभिन्न विधाओं पर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका कार्यक्रम जन जन तक साहित्य पहुंचाने का जो प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके प्रयासों को मैं सत सत नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ मैं आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, डॉक्टर मीना सिरोला मैम और उपाध्याय सर का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने पाती मुहिम का आगाज किया। हम वो दौर देखे हुए हैं जब डाकिया आता था, डाकिये की ट्रिन ट्रिन सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी और नंगे पैर देहरी तक दौड़ जाते थे कदम। दरअसल वो डाकिये का इंतजार होता था, एक जिंदगी का इंतजार। चिट्ठियों में जुड़े होते थे एहसास, संवेदनाएं, एक जिंदगी से मुलाकात होती थी। विकास की अंधी दौड़ में वो चिट्ठियां जाने कहां खो गई, संवेदनाएं जहां जाने कहां लुप्त हो गई। ऐसे संवेदनहीनता के दौर में हम लोग आ पहुंचे कि हमें खुद आभास नहीं हुआ। ऐसे में आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी सर के का आना एक वंदनीय कार्य रहा। जी हाँ, इस मंच के माध्यम से मैं बारंबार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, डॉक्टर मीना सिरोला मैम और शिक्षाविद, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र मोहन उपाध्याय सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज से करीब 6 वर्ष पूर्व एक मुहिम की शुरुआत हुई थी, पाती मुहिम की शुरुआत, और आज वह मुहिम एक मिशन का रूप ले चुका है। समय के साथ साथ बुद्धिजीवियों ने और साहित्यकारों का जुड़ाव बढ़ता गया, इसका दायरा फैलता गया। आज देश के ही नहीं, विदेश के भी बहुत सारे साहित्यकार और बुद्धिजीवी वर्ग इससे जुड़े हुए हैं। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं, पढ़ने वाले छात्र से लेकर के ख्याति लब्ध साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं। यह मिशन मौन को, संवेदनहीनता को झिकझोड़ने वाला है। आज बहुत खुशी की बात है कि यह मुहिम 6 वर्ष पहले जो शुरू हुआ, आज इस मुहिम की 15वीं पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही इसका लोकार्पण हुआ। इसके लिए मैं पूरी पाती टीम को बधाई देती हूँ। आदरणीय नेगी सर ऐसे ही इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, हम सबों का ये काफिला आगे बढ़ता रहे। अब मैं आज पढ़ी जाने वाली पुस्तक बापू की चिट्ठी, मेरी जुबानी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सन 2021 की बात है, जब अपना देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, पाती मुहिम के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू की पाती मेरे नाम शीर्षक से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें पत्र हस्तलिखित और डाक से भेजना अनिवार्य शर्त रखी गई थी। दिए गए विषय पे लेखकों, साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों ने स्वयं को गांधी मानकर वर्तमान भारत में गांधी के विचारों की वस्तु स्थिति पर विभाग चित्रण किया और देशवासियों को यह पैगाम दिया कि हमें गांधी जी के विचारों का
अमल करके आगे बढ़ना है। इस प्रतियोगिता में कुल 90 पत्र आए हुए थे, जिसमें से 73 पत्रों को अंतिम रूप से चयनित करके एक पुस्तक के रूप में दिया गया। शेष पत्र जो इसमें शामिल नहीं हुए, ऐसे नहीं कि खराब थे, बस विषय से कुछ हटकर थे। तो सच कहूं तो यह पुस्तक पुस्तक नहीं, भविष्य की धरोहर है। हर पत्र कुछ न कुछ कह रहा है। सही मायने में गांधी जी के चश्मे से वर्तमान भारत को देखने का एक अभिनव प्रयास है। मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को समझती हूं कि इस संकलन के लिए मेरी पत्र को भी चयन किया गया। आज मैं उसी पत्र का वाचन करूंगी। तो पहले मैं अपनी ये पुस्तक दिखाऊं। ये देखिए, बापू की पुस्तक, बापू की चिट्ठी, मेरी जुबानी। इसके संपादक हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, डॉक्टर मीना सिरोला, चंद्रमोहन उपाध्याय जी। तो मैं अब इस पत्र का वाचन करूंगी। नौ अगस्त 2021, प्रिय बेटी, शुभ आशीर्वाद। उम्मीद करता हूं तुम सकुशल और सानंद होगी। आज मन कुछ उदास है, इसलिए तुम्हें पत्र लिखने बैठ गया। पता है मैं सबसे पहले पत्र कब लिखा था? कुछ छोटा ही था। बड़ों की नकल करके मैं छिप छिप कर सिगरेट पीना तो सीख ही गया था, चोरी भी करने लगा था, पर बहुत शीघ्र मुझे आत्मबोध हो गया कि मैं गलत कर रहा हूं। मेरी आत्मा कचोटने लगी। मैं पिताजी को सच बताना चाहता था, पर सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर पिताजी को एक पत्र लिखा और उसमें अपनी सभी गलतियों का जिक्र करते हुए सच्चे मन से माफी मांगी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे पिताजी ने पत्र पढ़कर मुझे डांटने के बजाय अपने सीने से लगा लिया। उस दिन से मैंने निश्चय किया कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा, न ही कोई अन्य गलत कार्य करूंगा। यही कारण है, जब कोई सच्चे मन से मुझसे माफी मांगता है, मैं उसे सहजता से माफ कर देता हूं। वैसे ही जैसे मेरे पिताजी मुझे माफ किए। मैंने महसूस किया है, तुम जब भी मेरी तस्वीर के समक्ष खड़ी होती हो, तुम्हारी आंखों में कई सवाल तैरते दिखते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हें यह पाती लिखने बैठा हूं। बेटी, आज का जो भारत है, मेरे सपनों के भारत से बहुत भिन्न है। अब देखना, फिर मेरा अब जन्म दिवस आ रहा है। मुझे अपना कहने और बनाने की होड़ मचेगी, जमकर भाषणबाजी होगी, पर अफसोस, कोई भी मेरे सिद्धांतों और विचारों को नहीं अपनाएगा। मैं भारत को सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं कराना चाहता था, मैं इसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और अस्पृश्यता से भी मुक्त कराना चाहता था। मेरा यह सपना अधूरा ही रह गया। आज गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगारों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
बेरोजगार युवाओं को गलत मार्ग पर जाते देख मन व्यथित हो जाता है। तुम तो जानती हो मेरी सोच, मैं अपने गांवों का विकास चाहता था ताकि वे स्वावलंबी बन सकें, अपनी जरूरतें स्वयं पूरी कर सके, खादी को प्रोत्साहन इस दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम था। पता है बेटी, उस जमाने में भी हमारी खादी का असर इंग्लैंड के कपड़ा मिलों पर इतना ज्यादा पड़ा था कि वहां की कई मिलें बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी। उस सस्ते जमाने में भी इंग्लैंड में भारत आने वाले कपड़े में 60 करोड़ रुपए की कटौती हो गई थी। बिना किसी तरह की हिंसा के एक साथ जुड़कर साधारण आदमी अपनी मेहनत, सूझबूझ और इच्छा शक्ति से विश्व के सबसे ताकतवर देश को टक्कर दे रहा था। आज हमारे कुटीर उद्योग धंधे बंदी के कागार पर हैं। हमारे कुम्हार भाई बहन तो अपना पुश्तैनी धंधा भी छोड़ रहे हैं, खादी हाशिए में जा पहुंची। और किसान, उनकी दुर्दशा मुझसे छिपी नहीं है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, वे आज भी तंगहाली में जी रहे हैं। सबके लिए अन्न उपजाने वाला अन्नदाता स्वयं 2 जून रोटी के लिए मुहाल रहता है। वह नख से सीख तक कर्ज में डूबा रहता है। उनकी आंखों में संपूर्ण निराशा झांकते देख मेरा मन कितना विचलित और व्यथित होता है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन्हें भूखे, अधमरे, अस्थि पंजर के रूप में देखना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। अरे, मैंने तो ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सबको बराबर का हक मिले, आजादी और समृद्धि मिले और हर कोई गर्व से कह सके कि वो यहाँ का वासी है। रोजी रोटी की तलाश में गांव विलुप्त हो रहे हैं, जबकि कंक्रीट का शहर दिनों दिन पसरता जा रहा है। गांव का शहर आना शुभ संकेत नहीं। क्या सोचने लगी, आज व्यथित हूं पर फिर भी आशावान हूं। मैंने देखा है कुछ क्षेत्र में बेहतर कार्य भी हो रहे हैं। देर से सही गांवों के पुनरुत्थान के लिए पंचायती राज का जो सपना मैंने देखा था आज वास्तविकता के धरातल पर उतर चुका है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू होते देखना एक बहुत सुखद अनुभूति है। वैसे इसमें अभी तक कई कमियां हैं। ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती, योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं होता। आशा करता हूं निकट भविष्य में जन प्रतिनिधियों के साथ अन्य लोग भी अपना दायित्व को समझेंगे और संपूर्ण निष्ठा से भारत के नवनिर्माण में अपना अहम योगदान देंगे। खाद्य सुरक्षा बिल और मनरेगा सराहनीय पहल है। पथ से भटकी शिक्षा व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कारगर सिद्ध होगी। रोजगार परक शिक्षा का मैं हिमायती रहा हूं। चलते चलते एक और सुखद पहलू पर बात करना चाहूंगा। हमारे देश में
महिलाओं को बराबरी का हक मिल चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ते और नया इतिहास गढ़ते देखना अच्छा लगता है। तुम सब प्रतिभावान शिक्षकों, शिक्षाविदों और कलम के सिपाहियों से उम्मीद करता हूं कि मेरे सपनों को अमली जामा पहनाने में कोई कमी नहीं रखोगे। हमेशा की तरह तुम आगे भी देश हित में सोचोगे और कार्य करोगे। इसी उम्मीद के साथ तुम्हारा बापू मीरा सिंह मीरा, डुमराव बक्सर। ये थी मेरी पाती जो बापू की प्रेरणा से मैंने बापू के विचारों को अपने शब्दों में लिखा था। मुझे विश्वास है 21वीं सदी के नव ऊर्जा से लबरेज युवा पीढ़ी के पाठकों के लिए यह पुस्तक एक मार्गदर्शक का काम करेगी। गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही राष्ट्र को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है और मुझे उम्मीद है हमारे सुधी पाठक, हमारे भविष्य निर्माण करने वाले कर्णधार सच्चे मन से राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। यही पाती मुहिम के अगुआ डॉक्टर सूरज सिंह नेगी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा मिशन को शुरू किया है। यह पाती नहीं, भविष्य की धरोहर है। इस भविष्य के लिए धरोहर छोड़ करके हम लोग जाएंगे। पुनः इस मंच के संचालक आदरणीय देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। आदरणीय सूरज नेगी सर, मीना सिरोला मैम और चंद्र मोहन उपाध्याय सर के साथ पाती समूह के सभी साथियों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन और हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।